ये फ्रिज किसने खुला रखा है? Yeah!
सबने कोशिश कर ली, आवाज लगाकर, नाम पुकार कर, झिझोड़ कर, लेकिन किसी की बात का उस पर कोई असर नहीं, ना ही किसी की आवाज सुन रही है, ना ही किसी को देख रही है वो। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कितनी सुंदर जोड़ी थी सुहासी और संकेत की, क्या किया ऐसा देवा हमने? इसलिए कि हमने आंखें मूंद कर सुहासी के घर वालों पर विश्वास किया। ऐसे कैसे कह सकते आप? सुहासी का कोई कसूर नहीं इसमें। देख सुलक्षणा, मैं सुहासी के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे ये मानने पर मजबूर किया है कि शादी से पहले सुहासी को यह बीमारी थी और जिसके बारे में उसके घर वालों ने हमें अंधेरे में रखा है। ऐसा कोई क्यों करेगा? जान बूझ कर अपनी बेटी की जिंदगी में कांटे क्यों बोएगा? लेकिन अपनी जिंदगी से निकाल तो सकते हैं ना? पर आप... बस सुलक्षणा बस, कल मुंह दिखाई में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जनता क्या क्या बातें बना रही है जानती हो तुम? मुझे ही फौरन कदम उठाना होगा। बाबा, अरे ये वक्त इन बातों का नहीं है। अरे एक बार डॉक्टर को देख लेने तो दीजिए, आते ही होंगे। क्या करेगा तेरे डॉक्टर? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा डॉक्टर। आओ, हमें डॉक्टर की नहीं तांत्रिक की जरूरत है। सुलक्षणा, अगर वापस तुमने तांत्रिक का नाम अपने मुंह से लिया तो याद रखना अब सिर्फ डॉक्टर का इंतजार होगा। कसं सांगायचं यांना? अगं आई, बाबा बरं म्हणताय। खपरे, इन्हें पहले कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी? कुछ कह नहीं सकते, बस हफ्ता भर हुआ यहाँ आई है, अभी अभी तो शादी हुई। ठीक है, मैं आई बाबा से बात कर लेता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए इसे हुआ क्या है? इसे क्या हुआ है जानने के लिए पहले टेस्ट करने होंगे, और उससे ज्यादा सुहासी के पुराने मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, अगर है तो। उस डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा जिन्होंने पहले इन्हें ट्रीटमेंट दिया था, क्योंकि जो आप कह रहे हैं और जो हालत मैंने सुहासी की देखी है, मुझे ये मेनिनजाइटिस से कुछ ज्यादा ही लग रहा है। किसी किस्म का मेंटल शॉक, आई मीन दिमागी प्रॉब्लम। देखा दिवाकर, मैंने कहा था ना तुमसे, कहा था ना मैंने तुमसे, सुहासी के माँ बाप ने हमसे कुछ छिपाया है। बाबा प्लीज शांत रहिए। क्या खाक शांत रहो? अरे बाबा, इस तरह हम किसी नतीजे में नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए बाबा, मुझे लगता है कि हमें
संकेत के लौट आने का इंतजार करना चाहिए। इंतजार? कब तक इंतजार करोगे? बोलो ना, कब तक इंतजार करोगे? जब मामला हाथ से निकल जाएगा तो क्या करोगे? दिवाकर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, सुहासी के बारे में जानने के लिए हमें सुहासी के मां बाप से मिलना होगा फौरन। दरवाजे पे बाहर खड़ी थी, हमारी सुहासी पुकार रही थी हमें, बहुत परेशान है वो, मेरी बच्ची बहुत मुसीबत में है। तुम माए भी? अरे सुहासी अपने ससुराल में है और बहुत खुश है, तुमने जरूर सपना देखा होगा। चलो पानी पियो। हेलो धनंजय जी, इतनी रात को? आओ, पूरी रात निकल गई, सुहासी के मां बाप आएंगे, आप अंदर चलिए। 6:30 बज चुके, अभी तक नहीं आए। अरे इतनी टाइम में तो इंसान दिल्ली से भी आ सकता है, और कोल्हापुर से आने में इतना टाइम? आहो, अभी उनका फोन आया था, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक जाम है, थोड़ी देरी होगी, बस आते ही होंगे। लो शायद आ गए। देखिए, जो प्रॉब्लम अभी सुहासी को हो रही है वो कोई शारीरिक समस्या नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक दिमाग से है। कई बार किसी सदमे से या शौक की वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो कई बार ये जेनेटिक भी होता है। खानदान में किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम रही हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे घर में ऐसी समस्या किसी को नहीं रही है। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, कभी किसी को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा होगा, इससे हमें इनके इलाज में बहुत मदद मिलेगी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब इनके दादाजी का देहांत हुआ था तब इनकी दादाजी काफी डिप्रेशन में आ गई थी, जिसके लिए उन्हें काफी दवाइयां देनी पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना, सुहासी के परदादी को दिमागी बीमारी थी और वही बात सुहासी में आ गई है, और उसकी सजा भुगत रहे हम। इसीलिए आप लोगों ने शादी की जल्दबाजी की, ताकि इस बात का पता चले तो रिश्ता ना टूटे। ये क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ मैं, इन्होंने धोखा दिया है हमें। होश में रहिए आप्टे साहब, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, और सुहासी मेरी इकलौती बेटी है, और हमें उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं थी, वो तो मुहूर्त निकल गया था और आप भी तैयार थे, इसलिए रहने दीजिए, बहाने मत बनाइए, आपने अपनी बला हम पर टाल दी है। अरे आप्टे साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और गवर्नमेंट के पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ, और मैंने अपनी लड़की को भी तालीम दी है। अरे हमारा अपना खुद का मकान है, बैंक में 2,00,000 रुपए की FD है, अच्छी तनख्वाह भी पाता हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी की कोई जल्दी नहीं थी, और शादी से पहले उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। देखिए, आपके कहने से ये साबित नहीं हो जाता कि सुहासी को इसके पहले कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों ने सुहासी के साथ ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। आप बताइए, यहाँ पर हमारी बेटी के साथ क्या किया गया जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है? संभालिए अपने आप को, क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ, और सुहासी की इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन अभी तक इसका पति यहाँ नहीं आया है। अच्छा,
तो क्या वो अपना काम धाम छोड़कर अपने बीवी के पल्लू के साथ चिपक कर बैठा रहे? शांतवा, अरे का शांतवा, सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे कि सुहासी की इस हालत के जिम्मेदार हम लोग हैं। अरे इल्जाम नहीं, ये सच है। उस बच्ची को इतना सताया, इतना सताया है, आज उस बेचारे की ये हालत हो गई है। संभालिए अपने आप को। बसा बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अगर कोई उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो हमें किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है, उन्हें बुला लेते हैं। मुझे सब कुछ नहीं सुनना, मैं सुहासी से मिलना चाहती हूँ। सुहासी, सुहासी, अब आपने सब कुछ तो चेक कर लिया है डॉक्टर, तो अब आपकी क्या राय है? सही कहा आपने, बेहतर होगा कि सुहासी को हम किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले चले, अच्छे तरीके से सारी की सारी जांच और चेकअप्स करवा लें। इससे हमें उसके ट्रीटमेंट में काफी मदद मिलेगी। क्या कहा आपने डॉक्टर? इलाज शुरू करने से पहले बेहतर रहेगा कि इन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में जांच करवा लें। मेंटल हॉस्पिटल? मेंटल हॉस्पिटल क्यों? हमें शक है कि सुहासी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और जितनी बातें मैंने सुनी है, मुझे लगता है कि वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। ये क्या है बाबा, क्या है? मैं एक रात के लिए बाहर गया और आपने मेरे आने का इंतजार तो किया होता। इंतजार करते तो हालत सुधरने के बजाय बिगड़ जाती, इसलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा और सुहासी के माँ बाप को भी। तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं संकेत बेटा, सुहासी की वजह से तुम सबों को बहुत कुछ सहना पड़ा है, पर अब नहीं। सुहासी को अगर कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी है तो उसका इलाज हम कराएंगे। सुहासी के बाबा ने गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल दिया, पर गलती हमारी है, हम बेटी वाले हैं। सुहासी को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ चेकअप के लिए। आओ सुहासी।
स्वासी का चेकअप होगा और इलाज भी, पर कोल्हापुर में नहीं, यहां मेरे घर में। संकेत, ले जाने दो उन्हें, सुहासी उनकी बेटी है। बेटी उनकी है पर पत्नी मेरी है, और शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी मायके वालों की नहीं, उसके पति की होती है। उसकी सारी परेशानियां केवल उसकी नहीं, मेरी भी है। सुहासी बीमार है, पागल नहीं, मैं उसे पागल खाने नहीं जाने दूंगा, किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगा। सुहासी का इलाज यही होगा और वो ठीक भी यही होगी। सुहासी की तबीयत के बारे में मैं आपको खबर करता रहूंगा। अरे बस ये दवा देना ना। चलो। अरे सही कह रहा हूँ, बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, अभी तो नई नई शादी हुई थी और अभी से ही अरे ये भाऊ, ये दवा देना जल्दी, बेचारा। दवा से कुछ नहीं होगा, इसे तो किसी तांत्रिक या ओझा के पास ले जाना चाहिए। बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। लो भाई, क्या जमाना है आज? अरे आजकल तो लोगों को मुफ्त की सलाह भी हजम नहीं होती। अरे हम तो इसकी पागल बीवी की भलाई के लिए बोले थे, और हमें क्या? पागल किसको बोला? अरे क्या कर रहे हैं? रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए। क्या कर रहा है? मार्केट में झगड़ा कर रहे हैं। देखिए ना भाई साहब, फालतू में मेरे बीवी के बारे में बोल रहा है। फालतू बोलो, सुना वही तो बोल रहा हूँ। झूठ सुना है, सच क्या जानता है तू? हाँ मुझे मालूम है सच। एक लोग बोले वही सच है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप मुझे बताइए, अगर कोई आपकी बीवी के बारे में, आपके घर वालों के बारे में उल्टी सीधी बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो इनका मामला है, सुलझा लेंगे। अब जाइए ना, अब भाई भाई साहब को लेकर जाइए, जाइए जाइए आप जाइए। कितना? 100। हाँ भाई साहब, मुझे एक शैम्पू चाहिए। कितना इसका? 50। इस पर्स को छूते ही मुझे अचानक हाथ जलने का एहसास हुआ। भाई साहब, मेरा बटुआ। संकेत जी, शेखर, योर पर्स। शुक्रिया। वेलकम। कितना भाई साहब कहा था आपने? 50। हाँ जी, 10, 20, 30, 40, 50। अरे शेखर, अरे तू कहाँ चला गया था? मामी, मैं तो स्टेशन पे ही था, आप लेट हो गए, आप दिखी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं खुद चला जाता हूँ लेकिन वैसे आपने मुझे बुलाया किस लिए था? शेखर, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, संकेत। उसके घर में एक समस्या आई है। मुझे विश्वास है तू मेरी मदद जरूर कर सकता है। संकेत, काकी, शायद इस बारे में मैं कुछ जानता हूं। Thank you.
कितने प्यारे लग रहे हैं ना हम दोनों। ये क्या तुमने रसोई की तरह कंधे पर ये कपड़ा क्यों लटकाया हुआ है? वो पहली बार रसोई में कुछ किया है ना, तो पता तो चलना चाहिए, है ना? ये लो हमारी चाय। क्या हुआ? कैसी बनी है चाय? अच्छी है। मुझे डर था कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी को चकाई नहीं है ना। इतना शोर क्यों कर रहे हो? मुझे पता था तुम ये बोलोगी, पिछले जन्म में पक्का टीचर थी। काकी, सब वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने कहा है। तू चिंता मत कर, सब कुछ वैसा ही होगा। जा, अब जाकर नहा ले। मैंने आज आमटी भात बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? वहीनी, सुलक्षणा, आ, सोलकड़ी लाइन। सुलक्षणा? हाँ। क्या बात है? चेहरा उतरा हुआ है? फिर घर में कुछ बात हो गई क्या? कुछ नहीं। तो? कल रात से तो कुछ हुआ नहीं, पर मैं बहुत परेशान हूँ। घर में मेरी कोई बात ही समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनको कैसे समझाऊं कि सुहासी पर एक बुरी आत्मा का साया है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इस बच्चे का। मुझे तो उपाय भी नहीं सूझ रहा है। उपाय? उपाय है मेरा भतीजा शेखर, मैंने उसे बुलाया है, उसे सब कुछ बता दिया है, वो हमारी मदद करेगा। मदद करेगा? हाँ। कैसे? यूं तो शेखर एक इंजीनियर है, पर उसे इन ऊपरी मामलों में सब कुछ मालूम है। बहुत कुछ पढ़ा है उसने, और उसके साथ एक कुदरती ताकत भी है। अगर किसी पर पूरा साया हो तो शेखर उसे महसूस कर लेता है। भाई वहीनी, क्या कह रही हो? हाँ, शेखर संकेत से मिल चुका है। दवा की दुकान पर संकेत का बटवा रह गया। शेखर ने उसे देने के लिए छुआ तो उस पर रखी सुहासी की फोटो उसके हाथ को छू गई। उसे लगा जैसे उसका हाथ जल रहा है। उसे महसूस हो गया कि ये लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। जब मैंने उसे सब बता दिया तो वो समझ गया, अब वो हमारी मदद करेगा। पर कैसे? घर में इन बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। सुन तो, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारे घर आ ही रही हूँ, जागरण गोंधल का आमंत्रण देने के लिए। पूजा में सुहासी को ले आना, और इसी बहाने शेखर सुहासी को मिल भी लेगा। लेकिन किसी भी हाल में सुहासी को पूजा में लाना है। हाँ? सुहासी जरूर आएगी। सुहासी,
अरे लेट हो रहे, जल्दी कर। सुहासी भी ना। अरे आई, सुहासी का पूजा मैंने जरूरी है क्या? हाँ हाँ, अरे शादी के बाद पहली बार ये पूजा है और बार बार हवन कभी नहीं होता है। चलो जल्दी चलो। आई ये पूजा की थाली देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? हाँ। आई एक काम करना, तू जा, मैं सुहासी को लेके आता हूँ, खामा का तुझे भी देर हो जाएगी। ठीक है, मगर उसे ले आना। ओ आई। आइए आइए, एक बार देख लेना सारी तैयारी हुई कि नहीं, जाओ। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? आइए आइए। अगर दिव्या नहीं आली? नहीं हो गुजो। हे क्या सुलक्षणा, सुहासी नहीं आई? अगर संकेत को बोला है सुहासी को लेकर जल्दी आ जाए। ये पूजा खास कर सुहासी के लिए रखी गई है, अगर सुहासी यहां नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। सुहासी को यहां आना ही चाहिए, लेकिन क्या वो प्रेतात्माओं से यहां आने देगी? अभी तुम चल, मैं भी जल्दी तैयार हो जाता हूं, अगर देर हो गई तो आई गुस्से हो जाएंगे। ये कैसे लगी? कुछ नहीं, बस मामूली खरोचे, मैं तैयार हो जाता हूँ। बात मत टाली और बताइए चोट कैसे लगी? वो मैं दवाई की दुकान पे गया था तो वहां किसी ने कुछ कमेंट कर दिए, वही बस हाथापाई में थोड़ी खरोच आ गई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप कितने अच्छे हैं ना, आपको मेरी वजह से कितना कुछ सहन करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है सुहासी। ऐसा ही है, मैं आप पर बोझ हूँ। आइंदा ऐसा मत कहना, तुम मेरी पत्नी हो, मुझ पे बोझ कैसे बन सकती हो? हम दोनों अलग थोड़ी ना है, फिर तुम्हारी परेशानी, मेरी परेशानी और मेरी मुश्किल, तुम्हारी मुश्किल। मैं तुमसे प्यार करता हूं सुहासी, और एक बात और कहूं, हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं सुहासी, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। क्या करूं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। जी जी, मैं घर जाके संकेत को लेके आती हूँ। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं आएगी और ना ही वो संकेत को यहां आने देगी। संकेत तो शायद इस वक्त अपने होश में भी नहीं होगा। क्या वो मेरे संकेत को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? लगता तो नहीं है।
ये बात तो तय है कि ये मामला साधारण नहीं है। इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जिसका मुझे पता लगाना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, कल खुद मुझे उसे जाके मिलना होगा अकेले में और उसे उकसाना होगा। लेकिन अगर उस पर कोई साया हुआ और कुछ? एक साया है जो दुनिया के हर साये से बहुत ऊपर है और शक्तिशाली भी। इनका साया वैसे तो यह हवन इस घर में हो रहा है, लेकिन हवन कुंड की इस ज्वाला में, इस धुएं में, इन मंत्रों में बहुत शक्ति होती है जो अपने घर के साथ साथ आस पड़ोस को भी पवित्र कर देती है। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो आज रात वो चैन से सो नहीं पाएगी। गुस्सा आएगा उसे और फिर कल मैं उससे मिलकर उससे बात करूंगा।
खाने के लिए कितने चावल निकालूं? हाँ, 3 गिलास लेना। चावल के साथ दाल भी चढ़ा देना। आप सही वक्त पर आए हैं। इस वक्त मेरे और सुहासी के अलावा और कोई नहीं है। सुहासी का कमरा कौन सा है? जलने का एहसास ठीक उसी तरह जैसे उस दिन उस फोटो को छूकर मेरा हाथ जला था। वो अब मुझे दरअसल आपसे कुछ काम था। आपका नाम? सुहासी। थैंक यू। असल में मैं पास में अपनी मामी के यहां आया हुआ था तो मुझे पता चला कि आपने पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से एमबीए किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि उस करिकुलम के बारे में और फॉर्म्स वगैरह के बारे में आपसे पूछता चलूं। वो क्या है ना, मेरी एक कजिन है वहां एडमिशन लेना चाहती है इसलिए। करिकुलम? हाँ, वो बहुत वक्त हो गया, कुछ याद नहीं। नो प्रॉब्लम। वैसे कौन सी चाय है? पता नहीं। अरे कोई बात नहीं, सुहासी। हाँ, सुहासी। शादी के फोटो में बहुत सुंदर लग रही हैं आप, लेकिन अब थोड़ी कमजोर दिख रही हैं। क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसा होता है। वैसे कल रात आपने डिनर में क्या खाया? याद नहीं, पर आप क्यों जानना चाहते हैं? वो कल कादंबरी मामी के यहाँ पूजा थी ना, और कमाल का खाना बना था वहां पर, लेकिन आप तो वहां आई नहीं। सूप क्या नाम बताया था आपने? सुहासी। कितनी बार बता चुकी हूँ, याद नहीं रहता आपको? सॉरी, मैं ये पूछ रहा था कि क्यों नहीं आई आप कल रात? कल रात
कुछ याद नहीं। क्या कोइंसिडेंस है ना, आपको बातें याद नहीं रहती और मुझे नाम। क्या नाम है आपका? सविता। हे मां सागर आए, अब नहीं भूलेगा। मी इतने इतने रात मी तुन कुटे जाना नहीं, समझे था पुत्रिया मेरिया। बहुत होशियारी करता है पर सविता के साथ होशियारी चलेगी नहीं पुत्रिया। देखो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। समझाने पर भी समझा नहीं। स्वाति, स्वाति दरवाजा खोलो। स्वाति, दरवाजा खोलो स्वाती। क्या हुआ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? स्वाती दरवाजा खोलो। क्या हुआ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? स्वाती, स्वाती तुम ठीक हो ना? स्वाती तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अच्छा, सुबह तुमसे बात नहीं करके गया इसीलिए नाराज हो? क्या करता सुहासी, सब लोग वहीं सामने थे ना, इसीलिए। क्या हुआ सुहासी, तुम ठीक तो हो ना? डर गई थी। आपने क्या सोचा कि मैं आपसे नाराज हूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे आप इतनी देर कहां थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मेरे बॉस को पता नहीं था ना कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। तुम्हारी तबीयत बेहतर है, अभी तक ठीक नहीं है। और तबीयत ठीक होने के लिए दवाई टाइम पे लेना बहुत जरूरी है, समझी? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। मैंने संकेत की आवाज सुनी और मौका पाते ही वहां से बाहर निकल गया। अगर संकेत वहां आ जाता तो बात का पतंगड़ बन जाता। जिस काम के लिए तू गया था वो हुआ कि नहीं? ज्यादा कामयाबी नहीं मिली काकी, लेकिन इस बात का जरूर पता चला कि सुहासी के शरीर में प्रवेश करने वाली आत्मा किसी सविता की है। जो दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। और एक बात, सविता की आत्मा सुहासी के शरीर में 7 बजे के बाद ही प्रवेश करती है। 7 बजे के बाद? मतलब इस सविता को मरे ज्यादा समय नहीं गुजरा है,
इसलिए इसमें अभी इतनी शक्तियां नहीं कि सुहासी के शरीर पर जब चाहे कब्जा कर ले। जब तक सूर्य देवता चमकते हैं ये आत्मा सुहासी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन सूरज डूबने के बाद करीबन 7 बजे सुहासी दरअसल सुहासी नहीं रहती और सुबह होने पर वो फिर एक बार सुहासी बन जाती है। मतलब दिन भर वो आत्मा घर में नहीं रहते है ना? सुहासी के शरीर में नहीं रहती, लेकिन उस साय की नजर 24 घंटे आपके घर पर रहती है। शाम होने पर वो आत्मा सुहासी के शरीर में प्रवेश करती है और अपनी सारी अतृप्त इच्छाएं पूरी करती है। लेकिन उसकी इच्छाएं क्या है? काकी, ये तो तभी पता चलेगा जब हमें ये मालूम चले कि ये सविता थी कौन, उसका इस घर से क्या रिश्ता है, क्यों उसने सुहासी के शरीर पर कब्जा किया है। आप किसी सविता को जानती हैं? मतलब आपकी कोई रिश्तेदार, कोई जानकार? नहीं, सविता मैं नहीं जानती। हो सकता है संकेत की कोई दोस्त है, सविता उसकी कोई गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। संकेत के सारे दोस्त को मैं जानती हूँ और संकेत तो बचपन से शर्मिला है और वो लड़कियों से दूर दूर ही रहता है। मैं तो उसके कॉलेज के सारे दोस्त सविता नहीं, सविता नहीं। कोई तो रिश्ता है किसी ना किसी का इस सविता से। सुहासी के घर वालों की तरफ से कोई सविता है क्या? नहीं, मैं नहीं जानती उनकी तरफ से। अगर ऐसा है तो मुझे ही पता लगाना होगा, अभी निकलना होगा मुझे। आज? हाँ ठीक है, आप आज जाइए, मैं सुहासी के घर फोन करके बताती हूँ कि आप आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उनके साथ सहयोग करें हमारे भले के लिए। ठीक है, हाँ जी ठीक है। सब ठीक होने दे। क्या हुआ आई? मेरे आई बाबा से बात कर रहे थे। सब ठीक तो है ना? मैंने ऐसे ही फोन किया था उन्हें। तुम्हारा पता नहीं दूध नहीं, रोज रात को आपको पीने की आदत है ना? यो किसी भी चीज की जरूरत हो बुला लेना। Ah!
दिव्या बेटा जल्दी सो जा, स्कूल नहीं जाना है। से तुम यहां? वहिनी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे तो ठीक तरह से याद भी नहीं मैंने क्या किया क्यों किया। मैं बीमार हूं, अटैक आते हैं मुझे। पता नहीं आई को क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो। सुहासी तुमने मेरा गला पकड़ा, एक पल तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी जान निकल गई हो, और तुम कह रही हो कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने कहा ना वहिनी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, शायद उन दोनों के बीच मैं कुछ ऐसा। पर वहिनी बीमार इंसान को तो माफ कर सकते हो ना। मेरी जगह अगर आपकी छोटी बहन होती तो क्या आप उसे माफ नहीं करते? अगर अभी भी आपको लगता है कि आप मुझसे नाराज हैं तो मैं समझूंगी कि मैं आपके प्यार के लायक ही नहीं। पर मेरी एक बात जरूर मानिएगा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं, मना मत कीजिएगा। ये क्या है? प्रसाद, ये दिवाकर भैया को दे देना, मैंने मानता की है, इससे उनका प्रमोशन जरूर हो ही जाएगा। तुम सच कह रही हो? हाँ वहिनी, मेरी मानता कभी खाली नहीं जाती। प्लीज वहिनी, एक छोटी बहन के नाते मुझे माफ कर दो प्लीज।